मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को संसद में कहा कि अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी की कीमतों में 37% की वृद्धि हुई है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलएनजी की कीमतें अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 की तुलना में 37% से अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से जो हालात पैदा हुए हैं उसका असर तेल की कीमतों पर दिख रहा है। पेट्रोलियम मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत रूस से अधिक मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन ये अभी भी कुल तेल आयात का 1% से भी कम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने अप्रैल 2020 में शुरू हुए चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान रूस से 419,000 टन कच्चा तेल खरीदा है, जो कि 175.9 मिलियन टन के कुल आयात का 0.2% था। उन्होंने कहा कि 2020-21 में भारत ने 0.3% का 6,33,000 टन आयात किया है, जबकि 2019-20 में खरीद 2.93 मिलियन टन या कुल आयात का 1.3% ही थी। ये बयान भारतीय तेल कंपनियों द्वारा व्यथित रूसी कार्गो को गहरी छूट पर पेश किए जाने की पृष्ठभूमि के खिलाफ आया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जहां एक व्यापारी के जरिए 30 लाख बैरल खरीदा है, वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 20 लाख बैरल तेल की खरीदारी की है। हरदीप पुरी ने कहा कि जहां एक एलपीजी की कीमत की बात की जाए तो यह सऊदी सीपी पर आधारित है। उन्होंने बताया कि इसमें अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक 285% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पुरी ने देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का बचाव करते हुए कहा कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि देश की जनता को सस्ती कीमतों पर तेल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बता दें कि पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद गुरुवार को दिल्ली में सीएनजी और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस पीएनजी की कीमत में भी 1 रुपए तक की बढ़ोतरी है वो की गई है। इस साल में अब तक सीएनजी के दाम 5.50 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुके हैं। इसके पहले पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 बार 80-80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि देखने को मिली है, जबकि घरेलू रसोई गैस के दाम 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़कर कुछ शहरों में 1,000 रुपये से भी आगे निकल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।